लेकर के जा रही हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह जो कि हर होम डेकोर लवर को बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि मुझे वहां से कुछ ऐसा कुछ खरीदना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ अन्वेषा के लिए और अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए। और अन्वेषा की छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में मैं अभी तो फिलहाल कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है, और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं घर से ही मैं वीडियो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, तो कई बार ही लगता है कि आप सब भी थोड़ा सा आउटिंग देखना पसंद करेंगे, तो ये भी थोड़ी सी दिमाग में है। तो आप सबको वहां का टूर कराऊंगी, अगर मेरे मन मुताबिक या मेरी जरूरत की चीजें मिल गई तो वो भी ले लूंगी, अन्वेषा के लिए जो लेना है वो ले लूंगी, और मेरी कैब बुक हो चुकी है, कैब से जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो हम आए थे दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद में अभी हम आ रहे हैं लगभग 7-8 महीने के बाद में, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगी आप सबके साथ में भी शेयर करूंगी मैं। तो सामने रिलायंस ट्रेंड्स है, पहले रिलायंस ट्रेंड्स में थोड़ा सा पर ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा है, मैंने कभी भी वीआर पंजाब को इतना खाली नहीं देखा है ना। टॉफी मिली तो मैं आ गई H&M के बाद में मार्क एंड स्पेंसर्स के स्टोर में, और उसके बाद में आ गई थी मैं वेस्ट साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे लेनी थी एक डेनिम या फिर ट्राउजर वगैरह, तो मुझे मेरे हिसाब से तो मिली नहीं। इतना मॉल बिल्कुल खाली है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर ऐसे ही वॉक करने के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मॉल में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि बंद होने वाला है और हम यहाँ पर आए हुए हैं। और अन्वेषा भी मेरे साथ में है, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं कुछ भी नहीं मिला अभी तक, पूरा ऐसे खाली है, समझ में नहीं आ रहा हम घूमें या घर जाएं वापस। मेरे को लगा था आज धूप होगी, पता क्यों? और आप मेरे को लगा था आज भीड़ होगी, पता क्यों? क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, भूख लग रही है, घर से कुछ खा करके नहीं आई थी और अभी भूख लग रही है, काम तो अभी हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सोचो चलो पेट पूजा ही कर ली जाए। तो भाई अभी हमने मस्त खा लिया है, बिल्कुल पेट भर गया टना टन, और अब चलते हैं। मीठी ने मेरा पर्स पकड़ा हुआ है। खाओ गाली। सबसे ज़्यादा फूड कोर्ट में ही मुझे भीड़ देखने के लिए मिलती है, और तो कहीं नहीं है। यह है फूड बॉक्स, हवेली है उधर, KFC, लापिनोज पिज़्ज़ा, हल्दीराम। अन्वेषा गई है ट्राई करने के लिए और मैं अभी यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ, वो टी शर्ट्स पसंद कर रही है, टी शर्ट मुझे भी लेनी थी, और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास ना बिल्कुल भी अभी टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं है, और डेनिम के नाम पर मेरे पास ले दे करके एक ही डेनिम है, तो मैं डेनिम भी ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं ले लूँगी। फिलहाल पहले अन्वेषा कैसी लग रही है? चलो ठीक है, चेंज करते हैं दूसरा भी। ये देखिए तो नए आए हैं बेटा, कहाँ से पुराना है, सब नया कलेक्शन आया है। दोस्तों जो भी हमें लेना था उसमें से एक दो आर्टिकल तो हमने लिए, और उसके बाद में हम आ गए होम डेकोर के सेक्शन में, होम सेंटर में, और चाहे कुछ खरीदो या ना खरीदो लेकिन देख करके ही मैं मन भर लेती हूँ। और विंडो शॉपिंग करने में जो मज़ा आता है ना, वो शॉपिंग करने में भी उतना नहीं आता मुझे तो सच बताऊँ। और यहाँ पर इस बार मैंने देखा होम सेंटर के अंदर जो ज़्यादातर कलेक्शन आया है वो है ग्रीन, रेड, येल्लो
और ब्लू भी थोड़ा बहुत दिखा है, लेकिन यहाँ पर काफी सारा सुंदर सुंदर सामान देखा हमने। होगी हमारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ, खा पी भी लिया है और अब जा रहे हैं हम घर। शाम के बज गए हैं 6:30, तो अभी कैब भी बुक कर लिया, कैब आने वाली है, पहुँच गई है, बल्कि हम ही लेट हैं। तो पहले बैठ जाते हैं, फिर कुछ खाने का पैक कराते हैं और फिर हम घर जाके आराम से चाय बनाएंगे और फिर खाएंगे उसके साथ में। क्यों, क्या मिलता है? सो दोस्तों, वापस आ गए हम मॉल से और इतना ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। आपको पता ही है, सारे शोरूम होते, कभी ऊपर, कभी बेसमेंट में, कभी ग्राउंड फ्लोर पर, कभी टॉप फ्लोर पर पहुँच गए और बहुत ज़्यादा घूमे। मज़ा तो बहुत आता है लेकिन थक भी बहुत जाते हैं। तो आज मैं जो शॉपिंग करके लेके आई हूँ, मोस्टली अन्वेषा की ही शॉपिंग करके लेकर के आई हूँ। गई थी अपने लिए और लाइट भी आ गई। अभी पावर कट हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा था। अभी बैठ करके हम लोगों ने पी है चाय, मैंने चाय पी, अन्वेषा ने जूस पिया और उसके बाद में अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो आप ये देखेंगे, ये सारी शॉपिंग है और इसमें बैग के अंदर बैग, बैग के अंदर बैग करके लेके आए हैं हम, क्योंकि क्या था ना, एक तो लेकर के आने के लिए टीवी चल रहा था, अभी पावर कट हो गया था ना, तो अभी लाइट आई है। बहुत टाइम के बाद में मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग जनरली बनाती नहीं हूँ, वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव। सोचा ये शॉपिंग हॉल जो है ये एक व्लॉग की तरह ही शूट करूँ और क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ चलिए दिखाती हूँ। गई तो थी मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी घर की शॉपिंग करके लेके आई हूँ और थोड़ी सी अन्वेषा की शॉपिंग करके लेके आई हूँ। एक मैंने ये जीन्स ली अन्वेषा के लिए और ये है पेपे जीन्स। हाँ, पेपे के शोरूम में गए थे हम, वहाँ से मैंने ये ली है पेपे जीन्स। और इसमें ना पता है सभी जगह सब कुछ ऑलमोस्ट फ्रेश में ही था। इस पर हमें 20% का डिस्काउंट मिला है डेनिम के ऊपर और इसका प्राइस था 3699 और इसमें हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। तो एक ये अन्वेषा के लिए ली है। अब अन्वेषा बड़ी क्लास में आ गई है और स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह भी मिलते हैं, अपनी काफ़ी सारी जगह उसको जाना होता है एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो उसको काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो एक तो उसके लिए डेनिम ली है और गई थी मैं अपने लिए लेने के लिए। उसके बाद में हम फॉरएवर 21 गए थे आप सबके साथ में, आपने देखा ही था। तो फॉरएवर 21 से अन्वेषा के लिए ही एक क्रॉप टॉप लिया है, ये वाला बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद में ना, अन्वेषा के ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है फॉरएवर 21। पहले हमने ना इसमें का एक वाइट कलर का भी लिया था लेकिन फिर वो वाइट जो था ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा लग रहा था, तो मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा थोड़ा सा मोटा तो होना चाहिए। अन्वेषा कैसा लगा मीठी? बहुत अच्छा लगा मेरे को वाइट टॉप, है ना। और इससे भी ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा जो अभी दिखाने वाले हैं मम्मा जी? अभी जो दिखाऊंगी ये अन्वेषा का मोस्ट फेवरेट है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला। अन्वेषा को ये बहुत अच्छा लगा और ये काफी वाइब्रेंट है और इसके पैसे भी इससे जस्ट डबल हैं और ये दोनों ही फ्रेश में मिले हैं, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था। तो ये देखिए, ये है कॉलर वाला, ये क्रॉप टॉप है कॉलर वाला और इस तरीके का, इस तरह की ना मेरे पास दो टी शर्ट है। अभी अन्वेषा भी सेम हो जाएगी, इस तरीके से स्लीव्स हैं और ये समरी वाइब्स आ रही है इसको देख के। हाँ, ये कलरफुल सा है ना, तो जैसे वेकेशन वगैरह पर जाते हैं हम, कभी छुट्टी वुट्टी पर जाते हैं। वैसे तो फिलहाल अभी कई प्रोग्राम है नहीं, पर फिर भी लेकर के आए हैं कि भाई चलो ठीक है, बच्चों को तो चाहिए होते हैं। तो तीन चीज़ें ये ली है हमने। उसके बाद में एक ना मैंने अपने लिए ली थी टी शर्ट, ये H&M से ली है मैंने और ये ना ओवर साइज टी शर्ट ली थी मैंने, क्योंकि जैसे स्किन टाइट जीन्स पहनो और उसके ऊपर ओवर साइज टी शर्ट पहनो नॉट लगा करके, तो काफ़ी स्मार्ट सी लगती है, तो मैंने ये ली है। लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है, ये तो मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड के आ जाएगी, ये तो पापा के आ जाएगी, है ना। जब मैंने ली थी मुझे लगता है मेरी ये चेंज हो गई, क्योंकि ये वाली जो थी कितना साइज इसका, ये मीडियम है, ये तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा स्मॉल लेनी चाहिए थी मुझे, पर चलो पहन करके देखूंगी अगर ठीक है तो। अच्छे से स्टाइल करो तो वह अच्छी लग सकती है। हाँ देखेंगे, बाकी स्टाइलिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं।
उसके बाद में हम लोग गए थे होम सेंटर और सुपर 99। तो होम सेंटर से और सुपर 99 से भी मैंने कुछ सामान लिया था, क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ और घर के लिए कुछ ना लेकर के आऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ शॉपिंग ही नहीं की। तो मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, सबसे पहले होम सेंटर से मैंने ली एक 100% कॉटन की बेडशीट जो कि किंग साइज़ की है, और ली है मैंने ये कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये किंग साइज़ की है, ये कलर है, कुछ आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं स्प्रेड करूँगी तो आपको इसका पूरा लुक रिवील करूँगी। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही क्योंकि अभी इसको फिर पैक करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये लिया है, ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बेडशीट तो जितनी भी होती है ना कम ही पड़ जाती है। उसके बाद में मैं सुपर 99 गई थी, तो सुपर 99 से मैंने बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी चीज़ ली, क्योंकि मुझे दिख गई और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना अपने मतलब की चीज़ देख ही लेती हूँ। ये देखिए, ये आप शायद देख पा रहे हैं, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये छोटे वाले चटनी बाउल हैं, और ये चटनी वाले बोल जो हैं ये मैंने 4 लिए हैं इस तरीके के। ये मेरे ख्याल से 69 का एक था, हाँ लगभग 70 रुपये का एक था ये, तो ये मैंने 4 लिए हैं। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट से, जैसे कोई गेस्ट आता है तो अगर क्या कहते हैं, एक में ग्रीन चटनी, एक में रेड टमाटो केचप, एक में सोया सॉस और एक में मेयोनीज वगैरह की डिप वगैरह जो हम बनाते हैं वो करके इस तरीके से सर्व करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी लगती है। हालांकि सुपर 99 में ना बहुत सुंदर सुंदर सी जो प्लेटर थे वो बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन वही है ना, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करनी चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ की शॉपिंग करनी चाहिए। और वहाँ पर इतना सुंदर सुंदर सामान था ना सुपर 99 में, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई लेकिन सामान इतना औसम है। अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं तो आप होम सेंटर और सुपर 99 जो VR पंजाब वाला है वहाँ ज़रूर होकर के आइएगा, आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये जो लास्ट प्रोडक्ट है, दिख गया आपको क्या है? तो ये है, ये लिया है मैंने एक बॉटल, ये कुछ इस तरीके से है, ग्रीन कलर की है और इसके ऊपर क्या लिखा है, ड्रिंक मोर वाटर। ये ना बड़ी बॉटल है तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर पानी भर के रख लो, और जैसे कुकिंग वगैरह के लिए चाहिए होती है या फ्रिज में रखनी होती है, जैसे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो चाहिए होती है, तो ये वाली बॉटल में काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लीटर पानी आ जाएगा, और इसके बाद में इसका ये ढक्कन है, इसमें भर करके रख सकते हैं। इसका प्राइस था 799, 800 की बॉटल है ये, ये कुछ इस तरीके से है। इसमें ना कई सारे कलर थे, पिंक था, येलो था, ब्लू था, वाइट था, ट्रांसपेरेंट था, काफ़ी सारे कलर्स थे इसके अंदर, तो मुझे ये अच्छी लगी ग्रीन, तो मैंने ये ग्रीन ले ली। तो बस आज की शॉपिंग इतनी ढेर सारी, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए मेरे आज की शॉपिंग इतनी थी। आशा करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, बाय बाय। तो नहीं पता क्या होता है जब दिखाते हैं ना तब, तो ये देखा था हमने उधर कर रख दिया, अब टैग और लगाएगा। मिट्टी कितने आराम से बैठी है इतमिनान से, और मिट्टी कितनी काली कल्लो लग रही है।